तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा मिला नशे का कारोबार। दिल्ली में ड्रग्स, टॉलीवुड में छिपा मास्टरमाइंड। इसका जो मास्टरमाइंड है वो तमिलनाडु में बेस्ड है और हम लोगों ने इसके पकड़ के संबंध में कई जगह छापामारी भी की, लेकिन हमें सफलता अभी नहीं मिली है। ही इज एट लार्ज। लेकिन जो इनका सरगना है उसके तार तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। नशे की बेहिसाब कमाई से बन रही फिल्में, इस तरह के ये जो फंड्स हैं, ये जो ड्रग की मनी है, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जा रहा है, क्या उसको कवर बिजनेस के रूप में रखा जा रहा है, इन सब पहलुओं की छानबीन की जाएगी। हिंदुस्तान की हद में ड्रग्स के दाखिल होने के दो सबसे बड़े रास्ते हैं। या तो हवाई रास्ते से ड्रग्स का कंसाइनमेंट आता है, या फिर समंदर की लहरों पर सवार होकर नशे की खुराक हिंदुस्तान पहुंचती है। देश की राजधानी दिल्ली भी नशे के सौदागरों के निशाने पर है। तभी तो यहां जब एनसीबी और स्पेशल सेल ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया तो नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। दिल्ली में पकड़ा गया बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मिली थी शिकायत, सेहत बनाने वाली चीजों में छिपी मिली ड्रग्स की खेप। दिल्ली से पकड़ी गई नशे की खेप के तार हिंदुस्तान के दूसरे छोर दक्षिण के तमिलनाडु से जुड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तभी तो नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ चुकी एजेंसियों ने अब तक तमाम तारों और रिश्तों को खंगालना शुरू कर दिया है। दिल्ली में जो ड्रग्स पकड़ी गई वो स्यूडो एफेड्रिन बताई गई, जो करीब 50 किलो के आसपास है। ये इतनी ड्रग्स है कि जिसकी इंटरनेशनल कीमत करोड़ों में आकी जा रही है। इनके पास से 50 किलो स्यूडो एफेड्रिन बरामद हुई है। अभी तक की छानबीन में ऐसा पाया जा रहा है कि इन्होंने लगभग 45 बार निर्यात किया है और लगभग 3,500 किलो से ज्यादा स्यूडो एफेड्रिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भेज चुके हैं। असल में ये ड्रग्स हेल्थ मिक्स पाउडर, सूखे नारियल और खाद्य पदार्थों की आड़ में हवाई और समुद्री कार्गो के जरिए हिंदुस्तान लाई जा रही थी। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले करीब 40 से 45 बार ऐसी तस्करी हो चुकी है। ये लोग जनरली खाद्य पदार्थों के बीच छुपा के इन ड्रग्स को बेचते रहे हैं। अधिकतर ये लोग डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल के बुरादे को इस्तेमाल करते रहे हैं। इस बार इन्होंने मिक्स ग्रेन पाउडर रखा। इसी तरीके से चीजों को एयर कार्गो और मैरीटाइम रास्ते से भेजते रहे हैं। मगर जब इसकी इत्तला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मिली तब जाकर इस इंटरनेशनल सिंडिकेट से पर्दाफाश हो पाया। हम लोगों को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज की तरफ से सूचना मिली कि इंडिया से सूडो एफिड्रिन नाम का एक कंट्रोल सब्सटेंस, जिसको कि मेथ एम्फेटामिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, का निर्यात हो रहा है और इसको गलत तरीके से ड्रग बनाने में वहां पर कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से एक संयुक्त टीम बनाकर दिल्ली स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस का और एनसीबी की ऑपरेशन ब्रांच ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके तहत हमने 3 आदमियों को अरेस्ट किया है और दिल्ली का ये मॉड्यूल हमने बर्स्ट किया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा यही है कि इस कारोबार की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसके तार तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब एनबीसी ये पता लगा रही है कि फिल्म ड्रग्स की काली कमाई को लेकर सफेद करने के लिए बनाई जा रही थी या फिर इसके पीछे कोई और मंशा थी। एनसीबी ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो बेहद शातिर तरीके से ड्रग्स को विदेश भेजा करता था और जो पैसा वहां से कमाते थे उनको फिल्मों में भी इन्वेस्ट करते थे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस ज्ञानेश्वर सिंह जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ये पूरा जो कारोबार है वो चला रहे थे और कैसे आप लोग उस तक पहुंचे? हम लोगों को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज की तरफ से सूचना मिली कि इंडिया से सूडो एफिड्रिन नाम का एक कंट्रोल सब्सटेंस, जिसको कि मेथ एम्फेटामिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, का निर्यात हो रहा है और इसको गलत तरीके से ड्रग बनाने में वहां पर कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से एक संयुक्त टीम बनाकर दिल्ली स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस का और एनसीबी की ऑपरेशन ब्रांच ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके तहत हमने 3 आदमियों को अरेस्ट किया है और दिल्ली का ये मॉड्यूल हमने बर्स्ट किया है। एनसीबी के मुताबिक जब तक इस सिंडिकेट का सरगना नहीं पकड़ा जाता तब तक नशे के इस ताजा खेप का पूरा सच सामने लाना मुश्किल होगा।